जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल भोपाल भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, आप सिर्फ 10वीं पास के माध्यम से अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई करने के लिए आपको कोई एप्लीकेशन फीस भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में आवेदन कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी तो दूंगा ही, साथ ही आपको ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। अगर उसके बाद आपके मन में कोई डाउट कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल भोपाल है क्या। बेसिकली ये इंडियन आर्मी के अंतर्गत काम करता है और यहां पर दोस्तों आपको इसी के डिपार्टमेंट के अंदर जो आप अप्लाई करेंगे वो पोस्टिंग की जाएगी। इस भर्ती का अनाउंसमेंट जो किया गया वो मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। इस भर्ती का अनाउंसमेंट आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो कि आपका 20 से 26 मार्च 2021 का एडिशन है, जैसा कि आप यहां पर वीडियो में देख पा रहे हो। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर जो वैकेंसी आती है वो कभी भी फेक नहीं होती। ये जानकारी मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों के मन में डाउट आ सकता है कि यह भर्ती फेक तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि भर्ती बिल्कुल भी फेक नहीं है। अब बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहां पर मैंने जानकारी अच्छे से ओपन कर लिए, इसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो कि सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइंस भोपाल एमपी, यानी कि यहीं पर आपकी जो भी प्रोसेस होगा सिलेक्शन का वो किया जाएगा। चाहे आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो, आपका जो एग्जाम है आपका जो इंटरव्यू है वो आपका यहीं पर होगा। इसमें जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, यानी कि इस विज्ञापन के आने के 21 दिन बाद तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो विज्ञापन आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर आ चुका है, इसके 21 दिन बाद तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप लिखित में जानकारी जानना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। सर्च करने पर आपको यहां से जो पहली वेबसाइट ओपन होगी यानी कि सर्चिंग में आएगी वो आपको ओपन करनी है। यहां पर आपके सामने जॉब्स ज्ञान वेबसाइट आ जाएगी जहां पर मैं आपको जॉब्स के बारे में अपडेट करता हूं। आपको यहां पर टुडे बेस्ट जॉब के अंदर ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर यहां पर देखने को ना मिले तो आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो आपकी बेसिकली टैब है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप इस वैकेंसी को देख पाएंगे और यहां से आपको इसको ओपन करने के बाद आप देखोगे कि इसमें पूरी जानकारी मैंने मेंशन कर दी है, जैसे कि मैसेंजर रूम ऑर्डरली वॉचमैन कुक की आपकी पोस्ट निकाली है। तो बेसिकली यहां पर आप लिखित में जानकारी देख पाओगे। अब मैं आपको यहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही बाकी की जानकारी क्लियर करता हूं। तो यहां पर दोस्तों जो आपकी मैसेंजर की पोस्ट है इसके लिए 3 पद है, जो कि ओबीसी यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। रूम ऑर्डरली के लिए आपका 1 पद है, ओबीसी के लिए रिजर्व है ये। और वॉचमैन के लिए यहां पर 4 पद है जिसमें कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड यूआर अप्लाई कर पाएंगे। कुक के लिए 2 पद है जिसमें कि अनरिजर्व, यानी कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकाले गए हैं। मैस वेटर के लिए आपके 7 पद है, इसमें एससी ओबीसी यूआर एंड ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर सकते हैं। मसालची के लिए यहाँ पर 4 पद है, ओबीसी एससी और यूआर के लिए यहाँ पर ये पद निकाले हैं। और स्वीपर के लिए भी 4 पद है जिसमें कि यूआर एससी एंड ओबीसी कैटेगरी अप्लाई कर पाएंगी। फिर यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आप देख सकते हो आपको बोला कि क्लास 10th और इक्विवेलेंट, यानी कि इसमें सिर्फ आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है या फिर आपके पास 10वीं के बराबर कोई अन्य योग्यता होनी चाहिए। तो बेसिकली क्लियर ये है कि आप इसमें 10वीं के माध्यम से इनमें से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, आपसे इसके अलावा कोई भी और क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाएगी। एज लिमिट यहां पर आपकी मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम आपकी 25 साल है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, इनको यहां पर 35 साल तक की छूट दी गई है, बट फ्रेशर और नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट रखी है। और आपकी एज इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। पे स्केल यानी कि क्या सैलरी आपको दी जाएगी, तो इस पर दोस्तों आपको 5200 रुपये से लेकर 20200, साथ ही आपको 1800 रुपये का ग्रेड पे पर मंथ दिया जाएगा। तो यहां पर आपने इस भर्ती की एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी जान ली है। लास्ट डेट आपको बोला है कि इसमें 21 दिन बाद तक है। अगर आप यहां पर वेबसाइट पर आओगे तो आप देख सकते हो कि बेसिकली आप लोग इसमें 19 मार्च 2021 से लेकर के 9 अप्रैल 2021 तक फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि 9 अप्रैल 2021 तक ही आपके 21 दिन होते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों अन्य जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मेंशन करके रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर आपको ये बोला है कि रिटन टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि इसमें जो बेसिकली आपका सिलेक्शन किया जाएगा, पहले आप ऊपर की लाइन रीड कर लीजिए जो कि है कि दी एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड
थ्रू कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। यानी कि जितने कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई करते हैं, जिनके फॉर्म सही पाए जाएंगे, उसके बाद आपको कॉल लेटर इशू किया जाएगा जो कि ऑफलाइन वे से आएगा और आपको बताया जाएगा कि आप रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए हो या फिर नहीं किए हो। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, जो लोग रिटन टेस्ट दे पाएंगे यानी कि क्लियर कर जाएंगे उनका फिर इंटरव्यू होगा। यानी कि आपको कॉल लेटर के माध्यम से बताया जाएगा कि आपको रिटन टेस्ट देना है या फिर नहीं देना है। टेस्ट जो भी आपका होगा ये आपका कंडक्ट किया जाएगा सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल भोपाल, यानी कि कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हो आपका सेंटर यहीं पर होने वाला है। और जो आपका एग्जाम होगा इसमें जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे इसके बारे में अभी यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई, बट मेरे अकॉर्डिंग इसमें 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं जिसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे और एग्जाम की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी। मैक्सिमम 10% विल बी रिट्रेंड फॉर इंटरव्यू पर वैकेंसी, यानी कि यहाँ पर जैसे कि टोटल वैकेंसी आपकी सभी पोस्ट को मिलाकर के 25 होती है, तो 25 को आप 10 से गुना कर दीजिए, इतने कैंडिडेट आपके इंटरव्यू के लिए रेफर किए जाएंगे एग्जाम के बाद में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आपको बोला कि किस तरह से आपको अपना फॉर्म भरना है। आपको बोला कि टू सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप्स अफिक्स्ड विद स्टाम्प टू बी इनक्लोज्ड अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तो आपको दो सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप फिक्स करने हैं, उसके ऊपर आपको स्टाम्प भी लगाने हैं, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉट ओल्डर दैन, यानी कि आपके दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए जो कि 2 महीने से पुराने न हो और आपने उन फोटो में कैप और गोगल्स यानी कि चश्मे न पहने हो, और इस पर जो आपका फोटो है उस पर आपको आपका नेम और फादर नेम पीछे की तरफ लिखना है। डू नॉट पुट एनी मार्क और सिग्नेचर, और उसके पीछे आपको कोई मार्क या सिग्नेचर लगाने की आवश्यकता नहीं है। दी कैंडिडेट्स विल हैव टू अटेंड इंटरव्यू टेस्ट फॉर सिलेक्शन एट देयर ओन कॉस्ट, यानी कि इंटरव्यू की लोकेशन पर जाने के लिए आपको खुद से खर्चा करना होगा, आपको उसके लिए कोई भत्ता या फिर किराया नहीं दिया जाएगा। फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन इज गिवन बिलो, यानी कि आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट वो दिया है, साथ ही आपको ये भी बोला है कि कैंडिडेट्स टू ब्रिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम लोकल SHO कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन दैट नो क्रिमिनल केस इज आर पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा या फिर इंटरव्यू होगा या फिर आपके डॉक्यूमेंट की जाँच होगी तब आपको आपका जो एक चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो आपको बनवाना होगा कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड इफ हेल्ड बी आल्सो इंक्लोज्ड अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड हो तो आपको जो उसकी एक फोटो कॉपी होती है फॉर्म की, इस फॉर्म के साथ अटैच करके सेंड करनी होगी। और अगर आपने नहीं किया रजिस्ट्रेशन तो आप कर लीजिएगा, मैंने बनाई है वीडियो की MP पोर्टल के ऊपर कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके बाद बेसिकली यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी मैं यहाँ पर कल तक इसको अपडेट कर दूंगा, आपको इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको प्रिंट कराना है और प्रिंट करने के बाद आपको ये सब जानकारी भरनी है जो कि बहुत ही सिंपल सी जानकारी है, जैसे कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि आपको अपना नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखना है, फादर नेम आपको यहाँ पर लिखना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर, सेक्स यानी कि आपका जेंडर क्या है, मेल हो या फीमेल हो, वो आपको यहाँ पर लिखना है, DOB आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, पहले डेट, फिर उसके बाद में मंथ और फिर उसके बाद में ईयर, ये आपको यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है, आपको पिन नहीं लगानी है, आपको चिपकाना होगा। पोस्ट फॉर विच अप्लाइड सिंगल एंट्री ओनली, यानी कि आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप दो पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको दो फॉर्म सेंड करने होंगे, बट ऐसी कोई जानकारी इसके अंदर नहीं दी गई है कि आप दो पोस्ट पर अप्लाई एक फॉर्म से करोगे या फिर आपको अलग फॉर्म सेंड करने होंगे। तो बेसिकली इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप यहाँ पर जान लीजिए कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो आपने जिस भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो या किया है वो पोस्ट यहाँ पर आपको लिखनी है। फुल पोस्टल एड्रेस यानी कि जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है, डाक पता है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। प्रेजेंट एड्रेस, 7 पॉइंट में आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। नेशनलिटी एंड रिलीजन के आपको कैसे लिखना है, पहले आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है, और उसके बाद एंड लिख के आपका जो भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। कास्ट आपकी कौन सी है, अगर आप इस फॉर्म को बेसिकली मध्य प्रदेश के बाहर से भर रहे हो तो यहाँ पर आप सिंपली UR यानी कि अनरिजर्व या फिर जनरल लिख दीजिएगा, क्योंकि जो रिलैक्सेशन का फायदा है वो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट को ही मिलेगा, अन्य स्टेट के कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, इसलिए अन्य स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर जनरल के अंदर काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी कास्ट जनरल लिख देनी है, नहीं तो अगर आप मध्य प्रदेश से, जो भी आपकी कास्ट है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम क्लास 10th और इक्विवेलेंट, यहाँ पर दोस्तों आपको जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पर 10th लिख देनी है। साथ ही आपको बोला कि फोटोकॉपी और मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट टू बी अटैच्ड, यानी कि आपको 10वीं की मार्कशीट एंड जो सर्टिफिकेट है, अगर आपकी सनद और मार्कशीट एक ही है तो आपको उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है, अलग अलग है तो दोनों की
की फोटो को भी अटैच कर दीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ आपको जो 10th है वो लिख देना है, क्योंकि इसमें बेसिकली यहाँ पर आपको 10th ही लिखना है, आपको कोई नंबर या फिर बोर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है। और 11 में अगर आपके पास जो एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसका नंबर है वो आप यहाँ पर 11 में लिख दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए, कंपलसरी नहीं है। फिर यहाँ पर आपने किस डेट में सोम को भराया वो डेट आपको डेट के सामने लिखनी है, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और ये करने के बाद आपको जैसे कि मैंने बताया है इस एड्रेस के ऊपर जो कि आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, इस एड्रेस के ऊपर इस फॉर्म को सेंड करना है। आपको यहाँ पर कैसे सेंड करना है उसके बारे में मैंने जानकारी शुरुआत में ही बता दी थी। आप इस फॉर्म को जैसे सेंड करेंगे उसकी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है कि आपको 2 सेल्फ एड्रेस के साथ जो लिफाफे है इस फॉर्म को सेंड करना है। आप इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर सिंपल पोस्ट के माध्यम से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी जानकारी मेंशन करके नहीं रखी है कि आपको इस माध्यम से नहीं करना है या फिर उस माध्यम से करना है, इसलिए आप स्पीड पोस्ट या सिंपल पोस्ट के माध्यम से इसको सेंड कर दीजिएगा। जो जानकारी आपको यहाँ पर 7-8 पॉइंट के अंदर दी गई है इनको अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप वो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए और बेसिकली आप इसी प्रकार से इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।